Today we will be reading a novel called The Magic of the Lost Temple. This novel was written by Sudha Murthy. Let's start this novel. Shall we start Havisha Harika? Yes. yes. Let's start. Here with me is a Havisha is there and Harika is there. So we'll start. We'll go to the introduction page. Yeah, this is the introduction. Thirty years ago my daughter Akshata was a little girl who loved to play hide and seek with her friends. Okay. One day I went for a shower after keeping my four gold bangles in a small wooden box. I then went to sleep in the afternoon. Once I woke up, I finished my chores. Chores means? come. <laughs> घर के काम मुझे छोटे-मोटे okay. जैसे कि घर में जो खाना बनाते हैं या बर्तन साफ करते हैं या फिर क्लीन करते हैं छोटा हाउस को क्लीन करते हैं उनको बोलते हैं छोटे-मोटे काम को घर में जो होते हैं उसको चोर्स बोलते हैं सी एच ओ आर एस पापा जो स्टोरी नरेट कर रहे हो वो एक लड़की है या लड़का आई थिंक दिस इज अ ग्रैंडमा द गर्ल्स ग्रैंडमा इज टेलिंग और गर्ल इज टेलिंग सो दैट विल कम टू न अबाउट दिस ओके ओके Now since she told about the chores, that means she's the uh, grandma only, old lady, mm. okay? Looks like, otherwise uh, 30 years ago my daughter Akshata was a little girl who loved to play hide and seek with her friends, so my daughter means she's a woman and she's talking about 30 years ago, so she must be old, mm. understood? थर्टी इयर्सो माई डॉटर अक्षता वॉज अ लिटल गर्ल ओके ग्रांड मदर राइट एंड सो शी इज अंगडी एंड शीज है डॉटर कॉल्ड अक्षता सो थर्टी इयर्स माई डॉटर अक्षता वॉज अ लिटल गर्ल हू लव टू प्ले हाइड एंड सी हरिका यू प्ले लाइक टू प्ले ना हाइड एंड सी विथ अवर फ्रेंड्स वन डे आई वेंट फॉर अ शॉवर गई आफ्टर कीपिंग माई फोर गोल्ड बैंगल्स इन ए स्मॉल वुडन बॉक्स मतलब जो चार उसके अब जो गोल्ड बैंगल थे चूड़िया थी सोने की वो उसने एक वुडन बॉक्स में रख दिया रखने के बाद वो नानी चली गई करेक्ट आई देन वेन टू स्लीप इन द आफ्टरनून दोपहर को सोने की वो वंस आई वॉकअप फिर वो उठी तब क्या हुआ आई फिनिश्ड माई चोट्स एंड रिमेम्बर लेट इन द इवनिंग दैट आई हैड फॉगटन टू वीअर माई बैंगल्स वो दोपहर को उठी है उसने सारे काम किए करके चोर्स किए चोर्स सी एच ओ आर ई एस चोर्स जोर्स में घर के काम छोटे मोटे ओके एंड देन शी रिमेम्बर्ड लेट इन द इवनिंग दैट शी हैड फोग टू बियर हर पैंगल्स वो चूड़िया जो रखे थे ना वुडन बॉक्स में वो चूड़िया वो पहनना भूल गई वो ना के आई फिर थोड़ा काम किया फिर सो गई फिर सोने के बाद में उठ के फिर काम किया और फिर उसको शा, शाम को याद आया कि उसने वो चूड़िया पहना भूल गई वो Got it? Huh. When I when I opened the box, I found only two bangles inside. Okay. Immediately I started inquiring about the oh other two. Ka huh? Inquiring. Huh? inquiring. 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 Inquiring Pustna. Like if I want something from you, I lost something, then

लेकिन दो नहीं मिले कर? खो गए वो दबी तो पूछ नहीं पूछ रही है वो कि कहाँ गए अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड रेडली टोल्ड मी दैट अक्षता डॉट राइट अक्षता रेडली टोल्ड मी दैट शी हैड बीन फैसिनेटेड बाय द बॉक्स एंड हैड ओपनड फाइंड द attractive मतलब अच्छा लगा उसको शी हैड बीन फैशनेटेड मतलब फैशनेटेड उसको बेंगल्स देखा ना उसने बॉक्स देखा तो बॉक्स उसको बहुत अच्छा लगा बहुत अट्रैक्टिव अच्छा लगा लेकिन दो तो था बॉक्स बॉक्स एक ही था ना बॉक्स एक था उसके अंदर चार बेंगल्स पड़े हुए थे दो से दो से बूढ़ी मां उसकी मां अक्षता की मां को नहीं मिल रहे थे पर दो मिल रहे थे फिर उसने दो चार चार

टू फाइंडियर गोल्ड बैगल्सिंग से गोल्ड बैंगल्स को ढूंढ रही थी सॉक्स दट अक्षता रेडली टोल्ड मीडियो दैट शीड बिन फैसिनेटेड बाई द बॉक्स जब बॉक्स देखा ना तो शी वॉज फैसिनेटेड विद एंड ओपन फॉर द बैंगल्स

ले कोई चीज करने का प्लान हो उसको उसको बोलते हैं इंटेंडेड ओके okay? हाँ, मतलब तो ये तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसे ना वो उसे उसको हाइडन सीक्यु प्ले प्ले इस करने का नहीं रुको कर... इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो ढूंढ रही थी ना बेंगल्स को इसका मतलब ये नहीं था इसका मैंने उसको बॉक्स मिला शी शी इसको बॉक्स मिला उसमें से बॉक्स में चार बेंगल्स मिले अच्छे शाइनिंग गोल्ड बेंगल्स

She didn't know you also get do many things now at home. you take many things from me sometime I, I, I keep on searching, like for example, uh, my mobile also you keep on playing and then I'll keep on searching. huh okay. Correct na, or not correct. Yeah. So she, um, so which she took out intending to play, hide and seek with them. Mm -hmm. okay mm -hmm. to my horror, she told that.

फिर आपकी माँ गुस्सा करती है ना कि कोई नहीं छुएगा अगली बार से हम टीवी चला नहीं पाते हाँ अरिका भी करती थी कभी कभी करती चली यस आई स्कोल्ड हर मतलब उसने उसे डाटा डाटा स्कोल्ड भी डाटना देन एंड देन ऑल ऑफ अस सर्ज द एंटायर हाउस मतलब पूरा जैसे हम पूरा घर ढूंढते ना उसके रिमोट के लिए

जाओगे ओके अंडरस्टूड? यस। थर्टी ईयर्स पास तीस साल हो गए तीस इतने नो no, नो no, इतने इतने इतने, इतने. दस 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 तीन बार तीन थर्टी ओके पास्ट एंड थिंग्स चेंज अक्षता बिकेम द मदर ऑफ टू लवली गर्ल्स Akshata grow, grew up, she, she was married, she got two girls, named Krishna and Anushka. Krishna? Yeah, her daughter, uh, her daughter name was Krishna and Anushka. Yes, Krishna. Understood? Anoshika. Got it? Krishna was a boy or girl? She told her girls, see? she she Two lovely girls. Akshita became Lili, the mother. No, no. Krishna is a boy. Krishna is a daughter, girl. Okay. Akshita became the mother of two lovely girls. Two lovely girls named Krishna and Anushka. Anushka. Shall we go ahead? Anushka? Yes. I don't know. Do but uh, Shall we go ahead? Yes. yes. During one of their visits to Bangalore. Bangalore. My uh, uh -huh. Bangalore? both the children were playing hide-and-seek when suddenly I heard something smash to the ground in, in the living room okay. smash come okay. violent violently break into pieces okay crush understood हाँ कुछ गिरा जमीन में जा फ्लोर पे ग्राउंड इन लिविंग रूम में ओके शेर वी गो इट व्हेन आई रश्ड देयर रश का मतलब जल्दी से जाना व्हेन आई रश्ड देयर आई सॉ अक्षता स्कोल्डिंग हर डॉटर्स फॉर ब्रेकिंग अ वेस आई सॉ अक्षता स्कोल्डिंग हर डॉटर्स फॉर ब्रेकिंग अ वेस ओके बड़ा उसको वेज जो फ्लावर पॉट होता है ना जिसमें फूल वगैरह रखते हैं उसको तोड़ने के कारण वो अपनी डॉटर को डांट रही थी <laughs> तो इतने छोटे से वाले को वो डांटना हां सो नेक्स्ट चलिएगा दैट वेज वाज नो ऑर्डिनरी वन इट हैड बीन विद अस फॉर द पास 50 इयर्स पचास साल से उनके पास था और वो तोड़ दिया उन्होंने व्हेन इट वाज न्यू स्ड इट इन अनर एंड कैप्ड फ्रेश फ्लावर्स इन इट ओवर टाइम वी हैड रिप्लेस्ड दम विद प्लास्टिक पहले तो फ्रेश फ्लावर्स रखते थे फिर बाद में टाइम के साथ में प्लास्टिक फ्लावर रखने लगे फ्रेश थे अभी प्लास्टिक फ्लावर्स राइट ओके नो मैटर हाउ मेनी हाउसेस वी चेंज्ड द पोजिशन ऑफ द वेज Had remained तो the same। उसका ओ, ओ, ओ चेंज करते करते रहते रहते हैं हम हम भी quarter. पहले हम में थे जब मैं छोटी थी अब हम हम आए तो फिर हम okay. अच्छा so, एक चीज ऐसी हो, जो एक टेबल में दी यहाँ गई तब भी वही तो डाइनिंग टेबल पर रखे तो हमेशा वो डाइनिंग टेबल भी रहेगा भले आप बहुत सारे घर चेंज कर दो ओके गोटी टिका अनुष्का को नूनी बोलती थी इन हर एक्साइटमेंट शी हेड हरीड टू हाइड बिहाइंड कार्ट अनुष्का 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 अनुष्का, अनुष्का उनकी अनुष्का ना बेटी है ना अक्षता की अक्षता की अक्षता की बेटी अनुष्का है ना वो कटिन के पीछे छुप गई वो डांट रही थी ना उसको तो रोने लगी कटिन के पीछे पापा ये तो इन हर एक्साइटमेंट she had hurried to hide behind the curtains and her hand had unintentionally knocked over the vase मतलब mm -hmm. जो तोड़ने से पहले कि वो खेल रहे थे ना तो वो एक्साइटमेंट में तो वो पर्दे के पीछे छुप गए पर्दे के पीछे छुप गए हाँ दोनों नहीं कृष्णा काउंट कर रहे थे वन टू तो थ्री हाँ वो पर्दे के पर्दे के पीछे छुप गई हाइड एंड सीख कर रहे थे तो वो गलती से क्या वो उनका हाथ है ना वो वेज पे लग गया और वेज के नीचे गिर गया वेज मतलब गमला हरी, हरी का, का समझो वो वो जो वो जो बोतल पड़ी हुई है ना समझो वो वेज है फिर वो हर हार लगे थे तो उसने उसे समझो ये वेज तो उसके वो छुप रही थी फिर ऐसे लग गया फिर वो टूट गया I felt really sorry for Anushka whom I fondly call Nuni in her excitement she had hurried to hide behind the curtains and her hand had unintentionally knocked over the vase understood yes. unintentional means जानबूझ के नहीं बिना जानबूझ के नॉक ओवर द वेज मतलब नॉक हो गया उसके वेज के ऊपर लग गया ओके नूनी वॉज अपसेट नूनी मीन्स अनुष्का वॉज अपसेट अबाउट गेटिंग कॉट एंड अक्षता वॉज एंग्री बिकॉज ऑफ द ब्रोकन वेज बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी टू गोल्ड बैंगल्स ऑन द फ्लोर शाइनिंग ब्राइटली इन द आफ्टरनून सन इट उसको जो बैंगल साल बैंगल hmm. जैसे वो वेज टूटा तो उसको दो बैंगल निकल गए तब तक वो वेज थर्टी साल तीस साल तक उन घर चेंज करते रहते थे तो वो चेंज चलता रहता था पास में रहता था और वो बैंगल्स भी उसके साथ रहते थे hmm. जो जो अनुष्का थी नॉट अनुष्का अक्षता मैं शी वॉज दैट टाइम शी शी हैड हिडन दोज बैंगल्स इन साइड दैट वेज है हाँ। और वो भूल गई कहाँ रखा वो भूल गई तो फिर अभी वो टूटा तो बैंगल्स मिल गए अब वो लोग क्या करते थे प्लास्टिक फ्लावर रखते थे उसके अंदर पहले तो फ्रेश फ्लावर्स रखते थे चेंज होते थे अब फिर बाद में प्लास्टिक फ्लावर रखते थे वो चेंज नहीं होते थे now got it huh. how she they got i uh, mean um, bangles uh -huh. two bangles shall we move it yeah i picked up the bangles and examined their design the two bangles on my hands were a testimony of the other two that had been lost all those years ago

Uh, evidence there. Evidence there. Okay. Hmm. I smiled and looked at my daughter. Akshata. Hmm. Ak I smiled and looked at my daughter. Akshata, she told. Akshata, these are my old bangles. Do you remember hiding them when you were little? Hmm. She grinned. Green, you know. Hmm. Like smile. Little smile. ओके hmm. She told. Vaguely Vaguely means? हा क्लियर याद नहीं है थोड़ा, थोड़ा याद है। okay? Vagely, दुन्दला दुन्दला. Vagely, but I remember you scolding me very clearly। बोले उसको याद नहीं है कि उसने बैंगल्स छुपाए थे लेकिन उसको यह जरूर याद है कि उसकी मम्मी ने उसको डांटा था दैट शी रिमेंबर्ड क्लियरली बट शी remember

Akshita. And you know why she told? Because she broke the vase. She hmm. broke the vase and because of that broken vase, she got her two bangles. So she was happy and she liked Anushka and that's why she hugged her. Okay? Hmm. Then she's telling, good work Nuni. You have found my lost treasure. Treasure you know? Hmm. Khajana. Hmm. You have found my lost treasure. These bangles mean a lot to me. Okay, they were handed down to me by my grandmother, and one day I will give these bangles to you. Nuni was thrilled. Thrilled means excited. Is it? She was proud that she had found something valuable.

बिना पक्षपात मीन्स किसी का फेवर नहीं करना फेवर का कर मतलब जैसे कि आप यू हैव टू फ्रेंड्स वन फ्रेंड यू लाइक मोर एंड अदर वन डोंट लाइक एंड बाइस बाइस मीन्स यू फेवर समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल शी बाइज मीन्स शी लाइक्स वन थिंग मोर देन अदर थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड लाइक यू हैव टू रीड साइंस एंड मैथ्स टुगेदर बट यू आर बाइज टू ओनली साइंस

Yeah. What is written here? She asked. Harika asked, "Why they, she can't break a vase?" <laughs> so I told her she can break, but not intentionally. So it is written here: when a child makes a mistake, not intentional. It's a mistake. Mistake mm -hmm. cannot be a intentional mistake. Intentional. Okay. If a child, when a child makes a mistake, it can turn out to be a lost treasure. आप गाँव कुछ गलती करो और उसे कुछ हो जाए तो हो सकता है कि वो ट्रेजर बन जाए ट्रेजर हो जाए खोया हुआ ट्रेजर मिल जाए आपको जैसे उनको मिला आपने बैंगल्स मिले खोए हुए बैंगल्स तीन साल थर्टी ईयर्स पुराने बैंगल्स मिले, मिले।, मिले थे। आ, हाँ करेक्ट हाँ मे बी एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी कुछ नया चीज तो मिल जाए कुछ नया चीज मिल जाए Children are unbiased and can easily think out of the box. They have a lot of interest. What is the meaning of they can easily think out of the box? This is a idiom out of the box. Out of the box means karna. Uh, okay next. karna. They have a lot of interest even in little everyday things because of because of their innocence. Hmm. Innocence means you know that? Yeah. Shall we go ahead? Yeah. This simple incident inspired me to write this special book, which I dedicated to my beautiful granddaughter Nuni. She is the heroine of this book bold, determined, sporty, and always in search of new adventures. Hmm. Okay? Determined means resolved, Fix. Okay. I would like to mention a few people who helped me in this escapade. Expo, eh, escapade means? Escapade means this adventurous thing. Advent, adventurous thing means she has written on this book. She has written this book. On writing this book, she some people helped her. So she wants to mention about those people. Okay. Mm -hmm. First, I would like to thank Shrut Kirti. Shruti Kirti Kurana, my terrific editor for this book. Okay. Mm -hmm. I looked towards her just like I would see Nuni and explained many things to her. Things that are novel and fascinated to a City Girl. Okay. If you're you not understanding any word or meaning, you can ask me. Okay. I also want to thank Udayan Mitra. Hemali Shodi, Shodi, Himali Shodi and Sohini Mitra of Penguin Books, India, without whose constant pushing I would have kept postponing the book to a later date. Children, you are very important to me. It is your free spirit that always makes me think young and write more for you. This was written by Sudha Murthy. Sudha, mm -hmm. Sudha, Sudha. Okay? Shall we go next? <laughs> and it was she wrote in Bangalore October 2015.